इस लेसन में हम लीस्ट काउंट के बारे में सीखेंगे जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तब उसमें एक एक्यूरेसी होता है एक प्रेसेशन होता है इन दोनों में क्या फर्क है एक्यूरेसी और प्रसिशन में। दोनों एक जैसे ही वर्ड्स लगते हैं राइट पर दोनों में क्या फर्क है एक्यूरेसी क्या होता है प्रसिशन क्या होता है समझ हमने हमने कुछ मेजर किया उसका एक्चुअल मेजरमेंट है फाइव पॉइंट सिक्स सेवन ये एक्चुअल मेजरमेंट है राइट right? अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं हमें रीडिंग मिलता है फाइव पॉइंट सेवन समझ लो एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं हमें रीडिंग मिलता है 5.511 ऐसा रीडिंग मिलता है कौन सा रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है कौन सा रीडिंग एक्चुअल रीडिंग के पास है एक्चुअल वैल्यू क्या है 5.67 पॉइंट सो इन दोनों रीडिंग में कौन सा रीडिंग इस रीडिंग के करीब है एक्चुअल के करीब है ये इजीली हम देख सकते हैं ज्यादा एक्यूरेट है ये ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स दे रहा है राइट सो so इसको बोलेंगे इस रीडिंग को ज्यादा एक्यूरेसी है राइट ये एक्चुअल वैल्यू के पास ज्यादा है इस रीडिंग में ज्यादा प्रसिशन है ज्यादा डेसिबल पॉइंट तक रीडिंग दे रहा है राइट इसलिए इसमें बोलेंगे ज्यादा प्रसिशन है प्रसिशन मतलब कितना डेसिमल पॉइंट तक हम रीडिंग पा रहे हैं और एक्यूरेसी मतलब एक्चुअल वैल्यू के करीब जो ज्यादा रीडिंग है वो ज्यादा एक्यूरेट है तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है ये हो गया एक्यूरेसी और प्रसिशन के बारे में अब लीस्ट काउंट क्या है लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम मेजरमेंट जो हम एक्यूरेटली उस इक्विपमेंट से मेजर कर सकते हैं राइट right? अगर हम नॉर्मल स्केल लेंगे तो हम उसमें एक मिलीमीटर mm एग्जैक्टली exactly, मतलब एक मिलीमीटर mm तक मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट अगर हम एक वर्नियर कैलिपर लेते हैं और उसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है राइट सो वर्नियर कैलिपर में दो चीज होते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर इसमें होता है एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है दो तरह से देख सकते हैं लीस्ट काउंट को पहला डेफिनेशन है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन ये हो गया काउंट एक मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय वन ईयर स्केल डिवीजन ये होता है अ काउंट कैलिपर ये आल्सो होता है वन मेन स्केल डिविशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविशन्स इन वन ईयर स्केल वन ईयर स्केल में जितने डिविशन हैं टिपिकली टेन डिविशंस रहते हैं राइट right? कभी कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं सो नंबर ऑफ डिविशन इन वन ईयर स्केल देख लेंगे वन मेन स्केल डिविशन बाय नंबर ऑफ डिविशन इन वन ईयर स्केल ये होगा काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर अगर हम स्क्रू गेज को देखेंगे स्क्रू गेज स्फेरोमीटर होता है स्क्रू गेज में क्या होता है स्क्रू एक घूमता है राइट एक फुल सर्कल में जितना डिस्टेंस स्क्रू आगे जाता है या पीछे जाता है उसको बोलते हैं पिच राइट ये घूम रहा है कितना आगे जा रहा है एक फुल सर्कल में उसको बोलते हैं पिच स्मॉल पी उसका सिंबल है पिच उसको बोलते हैं राइट एक्स क्यू का पिच होता है एक पूरा सर्कल वो जब घूमेगा कितना आगे जा रहा है उसको बोला जाता है पिच लीस्ट काउंट क्या होगा यहाँ पे यहां पे लीस्ट काउंट होगा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविशं इन सर्कुलर स्केल इसको बोलते हैं पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविशन इन सर्कुलर स्केल क्या बोलते हैं लीस काउंट सो लीस काउंट क्या है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविशंस इन सर्कुलर स्केल राइट पिच हो गया पी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविशन इन सर्कुलर स्केल ये हो गया स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट ये सारे इक्विपमेंट्स में जीरो एरर होता है राइट right? जीरो में कुछ नहीं है फिर भी कुछ रीडिंग देता है ये जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है राइट right? पॉजिटिव भी जीरो एरर हो सकता है नेगेटिव भी जीरो एरर हो सकता है सो एक्चुअल रीडिंग पाने के लिए हम क्या करते हैं जो भी रीडिंग है माइनस जीरो एरर जीरो एरर के साथ जो भी साइन है वो हमें लेना है राइट प्लस है तो प्लस ही रहेगा माइनस है तो माइनस साइन उसके साथ रहेगा so, हमें रीडिंग चाहिए वो कैसे मिलेगा देगा जो रीडिंग हमने नोट किया माइनस रीडिंग ड्यू टू गेज में एक और एरर होता है उसको बोलते हैं बैकलैश एरर बैकलैश एरर क्या है अगर हम कोई स्क्रू को, को मूव कर रहे हैं उस स्क्रू गेज के स्क्रू को राइट जब हम एक डायरेक्शन में मूव करें रहे क्लॉक फिर हम चेंज करते हैं ट्वेंटी तो क्लॉक वाइज तब जब चेंज करते हैं उस समय तक थोड़ी देर के लिए स्क्रू मूव नहीं करता है इस कारण से बैक क्लाश हो रहा एर होता है ऐसे करोगे ऐसे करोगे तो गलत रीडिंग्स आएंगे इसको अवॉइड करने के लिए एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहो स्क्रू को राइट ऐसा मत करो कि इधर जा रहे हो फिर वापस इधर जा रहे हो एक क्लॉकवाइज लिया तो क्लॉकवाइज जाते जाओ एंटी क्लॉकवाइज लिया तो एंटी क्लॉकवाइज जाते रहो ऐसे बीच बीच में चेंज मत करो तब ये बैकलैश एरर आ जाएगा राइट ये बैकलैश एरर अवॉइड करने के लिए मूव द स्क्रू इन ओनली वन डायरेक्शन जितना पॉसिबल है राइट नहीं तो बैकलैश एरर रहेगा क्योंकि एक डायरेक्शन में स्क्रू मूव कर रहे हैं फिर उसको चेंज करेंगे डायरेक्शन तब थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है फिर वो मूव करना स्टार्ट करता है ये है बैकलैश एरर So, हमने मेजरमेंट के बारे में सीखा मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ टाइम हम इसमें सीखा डिटेल में हमने सीखा लिस्ट काउंट के बारे में प्रशिक्षण और एक्यूरेसी के बारे में फिजिक्स में हम छोटे चीज भी मेजर करते हैं बड़े चीज भी मेजर करते हैं राइट right? छोटे से छोटा क्या है न्यूक्लियस न्यूक्लियस से भी छोटा न्यूक्लियस का साइज कौन से यूनिट में मेजर करते हैं फेमटोमीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन टू पावर माइनस फोर्टीन मीटर इसको मेजर करते हैं फेमटोमीटर में जिसका दूसरा नाम है फर्मी वन फेमटोमीटर या वन फर्मी दोनों का सिंबल एफ एम ये होता है टेन टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर इस यूनिट में हम क्या मेजर करते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस काफ़ी छोटा एटम उससे थोड़ा बड़ा है उसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर और एनस्ट्रॉन्ग में एक एंगस्ट्रॉम कितना है टेन टू दावर माइनस टेन मीटर ये भी काफ़ी छोटा है राइट right? ये है वन एंगस्ट्रॉम टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर ये ऐसा यूनिट नहीं फिर भी यूज़ करते हैं कि कन्वीनियंट यूज़ करने के लिए नैनोमीटर ये ऐसा यूनिट है नैनोमीटर कितना होता है टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर सो so, ऐसे यूनिट्स हम यूज करते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए फेमटोमीटर एंगस्ट्रॉन्ग नैनोमीटर राइट अगर लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हैं ये स्टार्स के डिस्टेंसेस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार अर्थ एंड सन अर्थ एंड मून इसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक यूनिट यूज़ करते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जो है उसको बोलते हैं वन ए यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट राइट और ज्यादा डिस्टेंस मेजर करने हैं फॉर ऑफ स्टार्स के तब हम क्या यूज करते हैं लाइट ईयरस ये लाइट ईयर क्या है पहली बात लाइट ईयर यूनिट ऑफ टाइम नहीं है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस देख के लगता है यूनिट ऑफ टाइम होगा पर लाइट ईयर किसका यूनिट है डिस्टेंस वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करता है लाइट कितना स्पीड है लाइट का स्पीड है लाइट का टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड राइट अप्रोक्सीमेटली थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक ईयर में वन ईयर में उसको बोलते हैं लाइट ईयर सो फिजिक्स हम छोटे चीज़ के बारे में पढ़ते हैं बड़े चीज़ के बारे में पढ़ते हैं हर चीज़ मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है राइट वो हर इंस्ट्रूमेंट का कुछ लिस्ट काउंट होता है कुछ एक्यूरेसी होता है कुछ प्रसन्न होता है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है राइट ये हुआ मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम